देखिए, जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि आज हम आपके लिए कई सौगातें लेकर आए हैं, और अब जो खबर है वो आपकी फेवरेट सौगात वाली है। जी हाँ, टूरिज्म वाली सौगात की खबर। दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों में पारा चढ़ा तो लोगों ने पहाड़ों का रुख कर लिया। खूबसूरत वादियों का दीदार करने और सुहाने मौसम का लुफ्त लेने के लिए भारी तादाद में पर्यटक इस बार पहाड़ों में पहुंच रहे हैं। देखिए, अब हिमाचल प्रदेश में मौसम ही ऐसा है, सब लोग वहीं की रुक कर रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड टूरिस्ट की आमद हुई है और पर्यटकों का सैलाब सा आ गया है। भारी तादाद में टूरिस्ट यहां पहुंचने से पर्यटन उद्योग चमकने लग गया है। पर्यटन उद्योग से जुड़े तमाम कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। ये तस्वीरें शिमला की हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी और देश का प्रमुख हिल स्टेशन। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ी तो शिमला में सैलानियों की बाढ़ आ गई। जिधर देखिए उधर सैलानी ही सैलानी, न सिर्फ देश बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी इन दिनों शिमला में नजर आ रहे हैं। खूबसूरत नजारों को देखने के लिए देश विदेश के कोने कोने से लोग लगातार शिमला का रुख कर रहे हैं और यहाँ की आबोहवा का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गर्मी है, छुट्टियां हैं, सभी बच्चों को, सभी लोग जहाँ पे आए घूमने, देखें माहौल कैसा है, लॉकडाउन के बाद बाहर निकलें और पता चलेगा क्या अपडेट आ रही है, न्यू सब कुछ बढ़िया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है, 20-22 डिग्री टेम्परेचर है और इतने अच्छे लोग हैं। दोबारा शिमला में आया हूँ तकरीबन 7 साल के बाद, इतना डेवलप हो गया है और कितनी अमेनिटीज है, कितना साफ सुथरा सिटी है। 2 साल तो हम घर पे बैठे बोर हो गए थे, अब यहाँ पे आकर बड़ा अच्छा है, बहुत रास है यहाँ पे। इस बार लोग सारे लोग आए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, घूमने आ रहे हैं, बड़े अच्छे हैं। अच्छा मौसम है, शाम के टाइम ठंड हो जाती है यहाँ पर, बाकी दिल्ली में बुरा हाल है। ऐसे लग रहा है जैसे खुली आज़ादी में घूम रहे हैं, अच्छी वातावरण यहाँ पे, सब बिल्कुल बढ़िया, सेफ, अच्छी जगह है यहाँ पर। शिमला और आसपास के इलाकों समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सैलानियों की भरमार है, जो टूरिज्म के लिहाज से काफी शुभ संकेत है। देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचे हैं और खुशगवार मौसम का मजा ले रहे हैं। हिमाचल में टूरिज्म का सीजन तो अप्रैल में ही शुरू हो गया था। पिछले 2 साल कोविड के कारण सैलानियों की आवाजाही बहुत कम रही, लेकिन इस बार पाबंदियां काफी हद तक हटी हैं, तो शुरुआती 2 महीने यानी अप्रैल और मई में ही 37 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पहुँचे, जबकि एक आकलन के मुताबिक जून में अब तक 21 लाख से ज्यादा सैलानी यहाँ आ चुके हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि इस बार यहाँ सैलानियों को आकर्षित करने के लिए सरकार की ओर से खासतौर से पश्चिम और दक्षिण भारत में बड़े आक्रामक तरीके से अभियान छेड़ा गया, जिसके सकारात्मक नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। अब तो स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन के मामले में जम्मू कश्मीर को टक्कर दे रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर में हालात बदलने के बाद वहाँ भी सैलानियों की तादाद में खूब इजाफा हुआ है। एक विशेष हमने अभियान चलाया था, हमारी टीम्स जो हैं गुजरात वे महाराष्ट्र गई थी, वहाँ पर जितने इनके ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंसेज वहाँ पर हुई थी, वहाँ पर हम उनकी ही जो प्रादेशिक भाषा है उसमें हमने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह दिए हैं, वीडियो क्लिप्स वहाँ पर हमने चलवाई हैं इन स्टेट्स में, उनके जो लोकल मीडिया वहाँ पर, इनके समाचार पत्र जो हैं उनके उनमें जो है इनकी भाषा में जो है एडवर्टाइजमेंट्स हमने दिए। उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल और अन्य नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं इसी प्रकार की प्रक्रिया जो है हमने वहाँ भी की है, और अभी जो है इन स्टेट से काफी जो है पर्यटक हमारे प्रदेश में दोबारा से आना यहाँ पर शुरू हुए हैं। खुशनुमा माहौल के कारण शिमला समेत हिमाचल के तमाम इलाकों में सैलानियों की आवाजाही बढ़ रही है। इसका सीधा फायदा पर्यटन कारोबार को हुआ है, जो इन दिनों खूब फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।